नमस्कार, मैं आंचल शर्मा, भाटिया न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल से काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज आपको अवगत करवाने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिसे डिमेंशिया कहते हैं। ये शब्द या ये डिसऑर्डर के बारे में हम सब ने शायद बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में जानकार हों, क्योंकि हमारे परिवार में बुज़ुर्ग हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं और जिनका हम बहुत ध्यान रखना चाहते हैं। सो हम सबको जानकार होना चाहिए इस बीमारी के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया या अफेक्टेड एज ग्रुप जो रहता है डिमेंशिया का, वो आफ्टर 60 ही रहता है। डिमेंशिया सिर्फ एक मेमोरी लॉस को लेकर एक बीमारी नहीं है, इसमें बहुत सारी और रिस्क, बहुत सारी और चेंजेस हमारे बिहेवियर में आती हैं। सो आज मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में जानकार करवाना चाहूँगी। डिमेंशिया आज की डेट में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 55 मिलियन ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया, जो कि रिपोर्टेड है। हर साल 10 मिलियन से भी ज़्यादा केस, फ्रेश न्यू केसेस डिमेंशिया के ऐड होते हैं रिपोर्ट लिस्ट में थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ऐसे कितने केस हैं जो शायद हम लोगों ने कभी रिपोर्ट ही नहीं किए, या जिनकी फैमिलीज़ को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि वो डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं, उनके परिवारों में जिनको हमारी साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है या मेडिकल एड की ज़रूरत है। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जो कि 60 इयर्स के बाद जिसका ऑनसेट होना शुरू होता है, लेकिन किसी किसी रेयर केस में इट कैन बी बिफोर 60 और 65 एज वेल, जिसको हम अर्ली अल्जाइमर डिजीज का नाम देते हैं। अब डिमेंशिया के साइंस क्या हैं? डिमेंशिया के साइंस एंड सिम्टम्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेमोरी लॉस होना, छोटी छोटी बातों में पेशेंट को नहीं पता चल पाएगा कि वो कहाँ क्या करने जा रहा था, उठ के जाएंगे भूल जाएंगे ये सामान कहाँ रखा है, क्या लेने जा रहे थे, चाबी कहाँ है, या खाना खाकर भूल जाना कि खाना खाया है या क्या खाया था खाने में। भूलने के अलावा रेपिटेटिव बात करना, एक ही बात को हर 15 मिनट में, हर 10 मिनट में पेशेंट रिपीट करता है, ये काम हो गया है। फैमिली मेम्बर से बार बार क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये चीज़ हो गई है, क्योंकि उनको याद नहीं रहता है कि वो इस चीज़ को रजिस्टर नहीं कर पाते ब्रेन में कि वो ये चीज़ कर चुके हैं या वो ये चीज़ पूछ चुके हैं। मेमोरी लॉस के अलावा और बहुत सारे सिम्टम्स हैं। फर्स्ट, पेशेंट बहुत बार डिसओरिएंटेड होता है, जिसका मतलब है कि पेशेंट कन्फ्यूजन में चला जाता है या नहीं अच्छे से जानकार हो पाता कि इस समय दिन है या रात है, वो घर में बैठे हैं या वो बाहर बैठे हैं, वो उनके परिवार में कौन आया है इस समय, या कन्फ्यूज हो जाना कि वो कौन सी अलमारी में जाने वाले थे, क्या कपड़ा निकालने वाले थे। दूसरा, इंडिपेंडेंटली चीज़ें ना मैनेज कर पाना, छोटे छोटे ऐसे कार्य जो हम बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, डिमेंशिया के पेशेंट्स को इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल लगता है। उनको किसी ना किसी अपने प्यार करने वालों के या अपने रिलेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ को फॉलो करने के लिए। फिर इसके बाद आता है भाषा का उपयोग, जो है वो अच्छे से नहीं कर पाते। बहुत बारी जब आप डिमेंशिया के पेशेंट से बात करते हैं, उनको एक्सप्रेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो कहना कुछ चाहते हैं और लफ्ज़ जो हैं उनको नहीं मिलते कि हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, सो लैंग्वेज प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं वो अच्छे से। बहुत बारी सामान को गलत जगह पे रख देना, समझ नहीं आना कौन सी चीज़ किचन का सामान है बेडरूम में रख देंगे, बेडरूम का सामान है वॉशरूम में रख देंगे। कई बारी तो इतनी हालत ज़्यादा आगे प्रोग्रेसिव हो जाती है बीमारी की, पेशेंट्स को इतना भी नहीं पता चलता है कि वॉशरूम में जाके स्टूल पास करना है, यूरिन पास करना है, कि रूम में ही कर देते हैं, उनको इतना भी नहीं पता चलता है अपने बारे में। इसके बाद उनकी स्किल्स जो हैं, स्पेशल स्किल्स या स्पेशल इंटेलिजेंस जो है, विजुअल जो स्किल्स हैं, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। चेयर पर बैठना है तो नहीं पता चलेगा, इधर उधर बैठ जाएंगे, गिरने के आसार हो सकते हैं, स्टेप कितना छोटा है कितना बड़ा है, प्रेशर ऑफ लेग कितना देना है वहाँ पे नहीं पता चल पाएगा उनका, क्योंकि उनकी स्पेशल स्किल अच्छे से नहीं मैनेज हो पाती। इसीलिए डिमेंशिया के पेशेंट्स को हम अकेला नहीं रहने दे सकते, क्योंकि उनको कंटिन्यूस नीड ऑफ हेल्प रहती है। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारी आनी शुरू हो जाती हैं डिमेंशिया के पेशेंट्स में, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एजिटेशन होना, बेचैन होना, और सीवियर केसेस में शक आना शुरू हो जाता है, हल्यूसिनेशंस आने शुरू हो जाती हैं, गुस्सा आएगा, उनको लगेगा कि कोई बैठा है, कभी अकेले बात करनी शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि सामने कोई बैठा है जो हमसे बात कर रहा है, या बहुत पुराने ज़माने की बातें, अपने बचपन में पहुँच जाएंगे, अपने बचपन की बातें करेंगे कि मेरा तो वो घर था, मुझे उस घर में जाना है, अपने घर को, अपने घर वालों को भूल जाना। ये ऐसे केसेस बहुत सीवियर लेवल में आने शुरू हो जाते हैं, जब वो अपने बच्चों को ही नहीं जान पाते हैं कि अब हमारा ही बच्चा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, उनको लगेगा कि वो किसी अजनबी के घर में आ गए, जिसके
कारण बहुत बेचैन हो जाते हैं पेशेंट, पेशेंट को डर लगना शुरू हो जाता है, उस डर के चक्कर में पेशेंट को इरिटेशन, एग्रेशन, बेचैनी, घर से भागना, ये सब लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि पाया गया है कि डिमेंशिया बहुत सारे केसेस में इनहेरिटेड नहीं होता। फैमिली मेंबर्स बहुत घबरा जाते हैं कि अगर पेरेंट्स में ये चीज है तो आगे आने वाली जनरेशन में कहीं ये चीज ना हो। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में डिमेंशिया इनहेरिटेड नहीं है, लेकिन और बहुत सारे मेडिकल फैक्टर्स हैं। अगर हेड इंजरी है, कोई ट्रॉमा रहा है, या अगर हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा रहा है, ऐसे कुछ चीज़ें जिसके कारण डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम वो डैमेज जो हो चुका है उसको दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते या रिवर्स नहीं कर सकते। सो बेहतर रहता है कि आप जानकार हों इस चीज़ के बारे में और जल्दी इसका इलाज कराइए, ताकि हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें और आगे बढ़ने से रोक पाएं। बहुत तरह के डिमेंशिया हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो मेन डिमेंशियाज पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ नाम जो रहेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अल्जाइमर डिजीज़ एक ऐसा डिमेंशिया जो सबसे ज़्यादा कॉमनली फाउंड है। सेकेंड डिमेंशिया है वेस्कुलर डिमेंशिया, जिसमें जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन को, जो वेसल्स हमारे ब्लड सप्लाई देते हैं ब्रेन को, वो अच्छे से नहीं होता, जिसके कारण डिमेंशिया हो जाता है। थर्ड डिमेंशिया आता है लुई बॉडी डिमेंशिया, जिसको LBD भी कहा जाता है। फिर आता है फ्रंटल टेम्पोरल डिमेंशिया, एंड लास्ट है मिक्स डिमेंशिया। ये कुछ ऐसे डिमेंशिया हैं जो कॉमनली फाउंड हैं। सो जैसे मैंने आज आप सबको डिमेंशिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, हम आपस में अगर इस इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को स्प्रेड करें, तो आई फील हमारे जो लव्ड वन हैं, हमारे जो घर में बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमें इतना पाल पोस के बड़ा किया, हम शायद उनका ध्यान ज्यादा रख पाएंगे। क्योंकि बहुत बारी जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, ऐसा होता है पेशेंट की फैमिली बिल्कुल जानकार नहीं होती कि ऐसी भी कोई बीमारी है जिसमें पेशेंट भूल सकता है, तो फैमिली बहुत ही ज्यादा इरिटेबल रहना शुरू हो जाती है अपने बुजुर्गों से कि ये क्यों हमें परेशान कर रहे हैं, क्यों इनको शक आ रहा है, क्यों इनको समझ नहीं आती, एक ही बात बार बार करते हैं। तो प्लीज इस चीज के बारे में आप अवगत रहें, ताकि आप खुद नहीं परेशान हो और आप अपने बुजुर्गों का अच्छे से ध्यान रख पाए, ताकि वो बुजुर्ग जिन्होंने आपको शुरू से पाल पोस कर इस लेवल तक बनाया है कि आप अपनी जिंदगी अच्छे से बिता पाए, आज आप उनका ध्यान अच्छे से रख पाए। थैंक यू।